साइबर सेल टीम व कुरावली पुलिस द्वारा एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतरराजकीय बैंक के 3 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का काम किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों से ठगी कर अर्जित की गई धनराशि को भी बरामद किया गया है। एसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरी सफलता की जानकारी दी है। मैनपुरी पुलिस लाइन के मनोरंजन सभागार में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय की ओर से की गई प्रेस वार्ता में हाइड करके एटीएम बदल कर खातों से रुपए निकालने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर शॉट गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। अमेरिका गुंजन पुत्री अनिल कुमार निवासी मुकुलपुर थाना कुरावली द्वारा भारतीय स्टेट बैंक खाता का कस्बा कुरावली में लगे एटीएम पर किसी अज्ञात द्वारा एटीएम बदल कर खाते से 1,10,000 निकाले गए थे, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा एसपी से की गई थी। एसपी द्वारा इस गैंग का खुलासा करने के लिए साइबर सेल को कड़े निर्देश दिए गए थे। ये पिछले दिनों कई जगहों सूचना मिली कि एटीएम कार्ड बदल करके इस तरह से एटीएम फ्रॉड करके पैसा निकालने की घटनाएं हो रही हैं। इसी में साइबर सेल को लगाया गया था और साथ में कुरावली पुलिस भी थी। तो इसमें से 3 साथी अपराधी वसीम अकरम और इंता, वसीम जो है बुलंदशहर का, ये गुंडा के तहत जिला बदर है, और दूसरा ये दोनों अलीगढ़ के हैं, और इनसे 59 एटीएम कार्ड साथ में 75,000 रुपये, एक अवैध तमंचा, 2 मोटरसाइकिलें, और इनका एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये वांटेड भी हैं कई जनपदों से और आसपास के जनपदों के, कहते ये भोपाल और इंदौर में भी इन्होंने घटनाएं की हैं। लंबा आपराधिक इतिहास है और इस पर हमारी टीम ने इस गैंग को ट्रेस किया है। इनको फिलहाल आज जैसा आप देख रहे हैं कैश और सारी चीज़ें बरामदगी के बाद जेल भेजा जा रहा है। इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।